देखेंगे कि पहले लोग बताए हैं और इस कहानी में मतलब बहुत ही रोचकता आने वाली है। सुनो कहानी आओ बच्चों, सुनो कहानी। बहुत पुरानी समय की बात है और एक माधव नगर गाँव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था काल भैरव। उसने बहुत दिनों से कोई भी शिकार नहीं किया। तब उसने अपने मन में विचार किया कि मैं आज हिरण का शिकार करता हूँ। बहुत दिनों से कुछ अच्छा मांस मैंने नहीं खाया, तो इसी विचार से वह शिकारी अपना धनुष उठाता है और भरे जंगल में शिकार के लिए विचरण करने चला जाता है। तभी उस शिकारी की नजर जंगल में जाते ही एक जंगली सूअर पर पड़ती है और शिकारी जब जंगली सूअर को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अगले ही सन उसको पास में एक हिरण दिखता है। तब शिकारी सोचता है कि अगर मैं सबसे पहले इस जंगली सूअर का शिकार करता हूँ तो हिरण थोड़ी सी आहट में ही मेरे हाथ से दूर निकल जाएगा। तभी वो सोचता है चलो मैं सबसे पहले हिरण का शिकार करता हूँ। तो हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी अपना धनुष उठाता है, तीर कमान में चलाता है और ऐसे मारता है तो उसका निशाना बिल्कुल अचूक होता है और हिरण एक ही तीर में ढेर होकर धरती पर गिर जाता है। शिकारी उसको उठाता है, अपने कंधे में डालता है और फिर सूअर की तलाश में निकल जाता है। सूअर की तलाश में निकलते निकलते शिकारी अपने मन में एक और योजना बना लेता है। वो सोचता है कि हिरण के साथ साथ अब मैं सूअर का शिकार भी कर लूंगा तो मुझे अपार धन की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा मांस में घर में रखूंगा और जो उस मांस को बेचकर जो धन की प्राप्ति होगी उससे मैं अपनी शादी सजाऊंगा। यही सोचता सोचता शिकारी फिर से सूअर की खोज में निकल जाता है। शिकारी का निशाना बहुत अचूक होता है। थोड़ी सी खोजने के बाद ही शिकारी को सूअर नजर आता है और वो अपना तीर सूअर पर चला देता है। तीर सूअर को लग जाता है। घायल सूअर के खून से पीठ से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा क्रोध हो आता है। वो इतना क्रोध हो जाता है कि वो अपने मन में ढाल देता है कि मैं इस शिकारी को आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जो सूअर है वो तेजी के साथ पलटता है और शिकारी को बहुत ही तेज धक्का झपट्टा मारता है और शिकारी एक ही आवाज निकलती है अंतिम चीख और धरती पे सो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि वो जो सूअर होता है मरते मरते भी एक हत्या का पाप और ले लेता है। जैसे ही वो सूअर गिरने वाला होता है मरते मरते वहीं पास में एक पेड़ के नीचे एक सांप होता है और वो सूअर तड़पता तड़पता उस सांप के ऊपर गिर जाता है और सांप भी कुचल के मर जाता है। तभी क्या होता है, अचानक से एक भेड़िया ऐसे घूमते घूमते उसी जंगल में आ जाता है। अचानक हिरण के सामने चार सांप को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और आश्चर्य चकित भी हो जाता है। तभी वो हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने आज मुझे इतना सारा भोजन दे दिया। हे ईश्वर तेरी महिमा अपरंपार है, या तो तू भूखे पेट सुला देता है या तो खाने को इतना दे देता है कि मुझे सोचना पड़ता है कि मैं क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। यही सोचते सोचते बस गिदड़ जो है भगवान का धन्यवाद करता रहता है करता रहता है। लेकिन अब गिदड़ के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या थी कि अब मेरे पास तो ये चार है, चार समय पहले मैं इसे खाऊं मैं। तभी वो अपने मन में विचार करता है कि मैं सबसे पहले शिकारी का मांस खा के बहुत दिनों तक अपना भरण पोषण करूंगा। उसके पश्चात दूसरे नंबर पे मैं हिरण और सूअर का मांस खाऊंगा, सबसे लास्ट में सबसे अंतिम में मैं सांप का मांस को खाऊंगा। लेकिन अब क्या खाया जाए, क्या खाऊं, अरे हिरण को खाऊं या शिकारी को खाऊं, किसे खाऊं। तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है शिकारी के धनुष पे। तो धनुष में लगी हुई चमड़े की डोरी पे गिदड़ की नजर पड़ती है और गिदड़ क्या करता है कि चमड़े की वो सोचता है कि इस समय वो इस चमड़े की डोरी को खाकर ही मैं अपना पेट भरूंगा, किसी से आज मैं काम चलाऊंगा। तभी क्या होता है, गिदड़ जैसे ही चमड़े की डोरी पर अपने दांत को रगड़ता है चमड़े की डोरी टूट जाती है और डोरी टूटने से
जो धनुष का सिर आया उसकी गर्दन में लगता है और ये गर्दन पे मर जाता है। अब देखो क्या हुआ ये, अब इसमें और क्या करते हैं जिक्र के लिए, अब उस पेड़ के नीचे चार सब की जगह पांच सब पड़े हुए थे, पांच सब पड़े हुए थे। मनुष्य पल पल की चिंता करता है, पल पल के बारे में सोचता है, लेकिन उसे एक भी पल का भरोसा नहीं है कि क्या होगा। सैकड़ों वर्ष की योजना बना हुआ है, सौ वर्ष तक जीने की योजना बना है, लेकिन कल इसने देखा है। तो मेरी कहानी का ये शीर्षक था कल इसने देखा है। और अब उस हिरण का सब पड़ा, उसके बाद शिकारी का सब पड़ा, सुअर का सब पड़ा और लास्ट में सांप का और गीदड़ का। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। अगर हम वर्तमान में जिएंगे तभी खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। अगर शिकारी हिरण पे संतुष्ट होके ही घर चला जाता तो आज वो जीवित होता। गीदड़ अगर चमड़े की डोरी का लालच नहीं करता वो भी जीवित।